गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एस चौहान फ्रॉम इंडो भारत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, क्लास 9, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटर। वी ऑलरेडी स्टार्ट दिस चैप्टर यस्टरडे। नाउ फॉर क्वाड्रिलेटर इंट्रोड्यूस ऑलरेडी फॉर क्वाड्रिलेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज for parallelogram and also types of the quadrilateral. Some questions are left from exercise 8.2. So first we discuss the exercise number 8.2. Question number first or second I'm already kar chuke. Now today we start from question number third. See the question number third according to your NCERT book. Now question number third is given ABCD is the rectangle. फर्स्ट जो अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, नाउ दिस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स ईच एंगल इज इट्स 90 डिग्री। यू नो अबाउट द रेक्टेंगल ऑफ इट इज द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। नाउ पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट्स। Already we prove in question number first, second, PQRS is a parallelogram when joining the midpoints of any quadrilaterals. Next, now this so that the quadrilateral PQRS is a rhombus. Now this time, just to prove, quadrilateral PQRS is a rhombus. इस बार मैं पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट इज द ऑलरेडी प्रूफ। सेम वी टेक द जॉइन द ए सी इज द डायगोनल एंड फर्स्ट पैरेलल टू दिस वन, देन पैरेलल टू दिस वन एंड आल्सो इक्वल, सो ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सो वी यहां पे आप लिख सकते हो, वी हैव ऑलरेडी प्रूफ quadrilateral PQRS is a parallelogram. अब rhombus के लिए अब या तो प्रूव करिए इस diagonals are bisect at right angle, otherwise its all sides are equal. So we take in two triangles, triangles APS and triangle BPQ. ट्राइंगल BPQ. नाउ हम करने क्या जा रहे हैं, जस्ट यू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स आर congruent. वेरी सिंपल, फर्स्ट यू कैन राइट AP इज इक्वल टू BP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. Next, AS is equal to BQ. S and Q are also midpoint. And now, next, it is the rectangle. So, angle A is equal to angle B. Each 90. Yahan aap likh sakte hain, given. So, now, triangle APS is congruent to triangle BPQ. So by CPCT, इसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते हैं, PS equal to PQ. Similarly, you can prove this and this triangles are congruent, this and this triangles are congruent, this and this triangles are congruent. So similarly. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. Means its all sides are equal. Therefore, quadrilateral PQRS is a rhombus. हमें सिंपल एक प्रूफ कर दिया
कि ये कोऑर्डिनेटेड एक रेक्टेंगल होगा, सॉरी रोम्बस। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ थ्री थर्ड में केवल हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज किया और उसके बेसिस पर हमने इसको रोम्बस प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज द गिवन एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। फर्स्ट रो एबीसीडी इज अ रोम्बस, सॉरी ट्रेपेजियम। सो एबीसीडी डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन। डायग्राम नहीं भी गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूं। वी आर गिवन दैट एबी इज पैरेलल टू डीसी, दिस टू साइड्स आर पैरेलल, इट इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मींस, पहले मैं बता देता हूं, इन एनी कोऑर्डिनेटर ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज अ पैरेलल बट नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ओके, नाउ दैट बीडी इज द डायगोनल, सो ड्रॉ द बीडी। बीडी इज इट्स डायगोनल। नेक्स्ट, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। जो जो क्वेश्चन में कहा है वही मैं आपको करते जा रहा हूं। नेक्स्ट, अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल टू एबी। अ लाइन इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ए थ्रू द पैरेलल टू एबी। नाउ एल इज पैरेलल टू एबी, दिस लाइन इज इंटरसेक्ट एडी एट द पॉइंट, ये भी आपको गिवन है। इंटरसेक्ट मीन बीसी एट एफ, BC at F, ये आपको BC पे इंटरसेक्ट करेगी डेफिनेटली F पॉइंट पे। नेक्स्ट, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको हमारा एम क्या है यहां पर, टू प्रूफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया है, जो भी है मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है विद डायग्राम, जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, मतलब अभी अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं किया। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। डायग्राम हमने बीडी ज्वाइन किया, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीएबी, डीएबी आप क्या कहते हैं, इज द मिड पॉइंट, गिवन है ये भी, इज अ मिड पॉइंट। एंड साथ में ये भी कहा कि ये लाइन ए बी के पैरेलल है, तो मैं कहूंगा यहां पर अगर एक पॉइंट का नाम दे दें अपन ई ओ, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी शॉर्ट फॉर्म में। तो यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इन ए ट्राइंगल वन इज द मिड पॉइंट एंड लाइन इज पैरेलल टू अनदर साइड, देन बाइसेक्ट एट द थर्ड साइड। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ is a midpoint of, किसका midpoint है, DB, it is equation number one। ये हमने result find out किया है using the converse of midpoint theorem के basis पे। यहाँ पे मैंने कोई concrete angle नहीं लिया, simple use the midpoint theorem and converse of midpoint theorem। चलिए नेक्स्ट, अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन, डी ए बी हम ले चुके हैं, नाउ बी सी डी, बी सी डी क्या हम इस ट्राइंगल में कह सकते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये भी हमने प्रूव किया अभी अभी। तो नाउ ओ इज अ मिड पॉइंट, ये बस लिखना है मिड पॉइंट ऑफ डी बी। एंड साथ में ये भी कह सकते हैं ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये साइड हमने पैरेलल किया और ये पार्ट जो है ईओ का ही है, तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ओ एफ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी, तो ओ एफ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। दैट मीन्स यूजिंग बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज आल्सो, F is also midpoint of BC. It is proved. ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, ध्यान से आप देख सकते हैं।
F is the also midpoint of this one. F is the also midpoint of it is proved. Question number third and question number four is already proved. Now next is question number five. Question number 5 and question number 6 then question number 7. There are total questions are 7. इसके साथ में इस पूरे चैप्टर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स को. इसमें हमें कुछ छोड़ना नहीं है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यूज द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम के बेसिस पर हमने इसको प्रूव कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 हमने के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 सी द क्वेश्चन नंबर 5 एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट जो एनी पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी इज अ पैरेललोग्राम. सपोज डायग्राम इज नॉट गिवन, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं. जो एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम एंड नेक्स्ट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ई एंड एफ आर द मिडपॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी E and F are the midpoints. ये आपको given है. मैंने अभी कुछ नहीं किया. E and F are the midpoints of side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Trisect the diagonal BD. तो diagonal BD यहाँ आ गया आपका. अब यहाँ आपको give proof करना है इसमें कि so that the line segment AF, AF means AF, चलिए ये AF join कर लेते हैं, and line segment EC, line segment EC का मतलब हो गया ये इस BD को trisect, trisect means divide into three equal parts, means मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे. मैं यहाँ पॉइंट को नाम दे रहा हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज द क्यू. मीन्स मुझे प्रूफ करना है डी पी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो समझ लो ये ट्राइसेक्ट हो गया. एक बार इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ. इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ले लीजिएगा. थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकली आपको यूज करना होगा. एक्चुअली मैं यहाँ पे ए ई और सी और एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रहा हूँ. नाउ टू प्रूफ, तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं. इन इसको क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या यूज करना है आप ध्यान से देखिएगा. मैंने अभी अभी कहा कि ए एफ और सी ई इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल ये मुझे रिक्वायरमेंट है. उसके बेसिस में मैं इस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता हूं. तो देखो यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ए बी सी डी तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम आपको गिवन है. ई इज द मिड पॉइंट एंड एफ इज द मिड पॉइंट. क्या हम इस साइड को और इस साइड को इक्वल ले सकते हैं? Definitely. तो मैं यहां लिख रहा हूं इन क्वाड्रिलेटर ए ई सी एफ. पहले मैंने क्या लिखा ए ई इक्वल टू सी एफ. अब आप कहोगे सर वाई, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और इन पैरेललोग्राम ए बी इक्वल टू डी सी ऑलरेडी इक्वल है. तो ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली, और एफ डी सी का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ए ई और एफ सी को मैं इक्वल कर सकता हूँ. चाहे तो आप ए ई इक्वल टू डी एफ करें, चाहे ई बी इक्वल टू आप एफ सी करें, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इन कोऑर्डिनेटर ए ई सी एफ. तो साइड मुझे चाहिए ए ई और साइड मुझे चाहिए सी एफ. तो ए ई इक्वल टू सी एफ. अब बात करते हैं हम पैरेलल की. एंड
AB is parallel to DC. हम केवल AB और DC को यूज कर रहे हैं, E और F को मिड पॉइंट तो हमने यूज कर ही लिया इक्वल के बेसिस पे, और बात करते हैं अब AB is parallel to DC, तो क्या ये पार्ट पैरेलल नहीं होगा? तो यहां हम लिखेंगे वापस से AE parallel to FC, हो गया अपना काम. इन कोऑर्डिनेटर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर कोऑर्डिनेटर AE CF इज अ पैरेललोग्राम. ये आपका काम हो गया इजीली. तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद में अब मैं बात करता हूं दो कोऑर्डिनेटर के बेसिस पर मैं इसको प्रूव करूंगा, और कोऑर्डिनेटर के अंदर मैं यूज करूंगा यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम. ये दोनों पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पर अदर पेयर क्या बच जाता है, ए एफ पैरेलल टू सी ई, एंड आप ये भी कह सकते हो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ. अब ये भी आप कह सकते हो इसमें अगर ये पैरेलल है और इक्वल है, इक्वल हमें यूज नहीं करना है, यूज अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे. बट ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, तो मैं दो ट्राइंगल्स दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से. अब मैं ट्राइंगल सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी, क्या इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं, ध्यान से देखो डी क्यू सी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ डी इज पैरेलल टू सी क्यू. ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए एफ और सी ई ये जो पूरा पार्ट पैरेलल है तो ये स्मॉलर पार्ट और ये पार्ट डेफिनेटली पैरेलल तो हो गई. अगर हम एक बात करते हैं ये पूरा पार्ट पैरेलल है तो क्या ए बी और सी डी, क्या ये ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होगा, ये तो अंडरस्टूड है. तो मैंने लिखा इस ट्राइंगल के अंदर पहले लिखा एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है डी सी, और डी सी देखो इसी की साइड है, एंड आप कह सकते हैं एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू. So by converse of midpoint theorem, one is midpoint and parallel, तो क्या P is the midpoint of DQ? P is also midpoint of किसका midpoint बना, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया DQC, D to C, the P is also midpoint of DQ. Therefore, आप क्या रिजल्ट लिख सकते हैं यहां पर, DP equal to PQ. Number one, अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं. Similarly, you can prove that again. Similarly, in triangle B AP, इसमें भी देखो E is the midpoint and again EQ is parallel to AP, तो हम कह सकते हैं Q is also midpoint of BP, so BPQ is equal to QB. पर मैं यहां similarly की बजाय मैं यहां पे ये लिखूंगा again in triangle E is midpoint of AB, and मैं लिखना चाहूंगा यहां पर EQ parallel to कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने BAP, BAP, तो हम लिखना चाहेंगे यहां पर EQ is parallel to AP, therefore
Next again, Q is also made by of PP. तो क्या लिखेंगे? PQ is equal to QB. Equation number second. इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वन पार्ट इज द कॉमन, वाई वन एंड टू, वाई वन एंड टू डीपी इज इक्वल टू पी क्यू और दिस पी क्यू इक्वल टू आल्सो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बी. अब हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइन सेगमेंट ए एफ, सो हमने कहा ए एफ एंड सी ई इज ट्राइसेक्ट डायगोनल, थर्ड डायगोनल बी डी, ये आपका प्रूफ. चलिए क्वेश्चन नंबर हमने फाइव किया, क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन रह जाते हैं. यार वो सबमिट करने वाले थे, बोल दिया किसी ने लेकर के. सिक्स और सेवन के साथ में हम इसको कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को. दो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने अभी किया फाइव एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज शो दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सपोज एनी वन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज गिवन एंड जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट द मिड पॉइंट्स ऑफ, सपोज मिड पॉइंट इज इट इज द ई एंड इट इज द एफ and it is the G and it is the H. These two line segment bisect each other. मतलब ये कहने का मतलब इसका कि ये bisect कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर वही point ले लेता हूँ ताकि आप confused ना हो. P and it is R and it is Q and it is S. किसी भी quadrilateral में अगर मैं इन midpoints को आपस में join करता हूँ तो ये bisect कर रहे हैं. मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इक्वल होनी चाहिए. नाउ join P Q R S. क्या मुझे इसको प्रूफ करने की जरूरत है? यू कैन ऑलरेडी प्रूफ इन क्वेश्चन नंबर वन. सी द क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट प्रूफ P Q R S इज ए parallelogram. नाउ सी इन parallelogram P Q R S, P R एंड S Q आर द its diagonals and in parallelogram it is the property in parallelogram diagonals are already bisect to each other, that means it is the bisect to each other. So now first PQRS is parallelogram and then its diagonals are bisect to each other. So now question number baat karte hain 6 ki. So question number 6 aapka already ho gaya. Last question number 7, see ABC is the right angle triangle. Now ABCD is the right angle triangle with angle C is the 90. See, C पे 90 degree angle बन रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, A एक काम करते हैं, A यहाँ ले लेते हैं, A और B और ये C. C पे 90 बना, a line through the midpoint M of hypotenuse AB. यहाँ मैंने एक midpoint ले लिया, according to diagram. अभी मैंने कुछ भी नहीं किया. Of hypotenuse AB and parallel to BC. अगर मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की L, L इज पैरेलल टू BC, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. इंटरसेक्ट AC एट D, AC AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर. सो दैट तीन रिजल्ट हमें प्रूव करना है इसके अंदर. अब ये थ्री रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं. अब ये थ्री रिजल्ट प्रूव करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज रब करने में थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. फर्स्ट रिजल्ट इज द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. वेरी सिंपल, इन
ट्रायंगल एबीसी, पहले लिखिए एम इज मिड पॉइंट एंड फिर आप लिखिए एम डी इज पैरेलल टू बीसी. सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी. सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी. डेफिनेटली यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट है, यहां से मेरी लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू बीसी, तो ये डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट होगा. इट इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज एम डी इज परपेंडिकुलर एसी. जब ये लाइन पैरेलल हो गई तो इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस एंगल इज 90, देन इट इज एंगल इज आल्सो 90. सो एम डी इज पैरेलल टू बी सी एंड एंगल सी इज 90 डिग्री, देन इक्वल टू एंगल ए डी ए डी एम. देयरफॉर अब हम कह सकते हैं एम डी इज परपेंडिकुलर, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, परपेंडिकुलर ऑन ए सी. इट इज ट्रू. फाइनली थर्ड रिजल्ट आपको प्रूव करना है जो थोड़ा सा लेंथी है. सेकेंड और फर्स्ट रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ हो गया है. अब मुझे प्रूफ करना है सी एम मीन्स सी एम वेर इज सी एम. सी एम को आपको ज्वाइन करना होगा. फाइनली सी एम इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ए एम और फाइनली प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए बी. तो आपको प्रूफ करना है अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा. इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट इन ट्राइंगल. फर्स्ट राइट इन ट्राइंगल एम डी ए एंड सेकेंड ट्राइंगल आप ले लीजिए कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पे एम डी सी एम डी सी. क्या इस ट्राइंगल्स में तीन पार्ट इक्वल नहीं हो सकते? आप कह सकते हैं अभी अभी आपने कहा डी इज द मिड पॉइंट. सो फर्स्ट राइट ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी एंड आप ये भी कह सकते हैं एम डी इक्वल टू एम डी इज कॉमन, एम डी इक्वल टू एम डी इज कॉमन एंड एंगल दिस एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल एम डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम डी सी. तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो बाय सी पी सी टी नाउ by CPCT you can write, that means AM equal to CM. So CM is equal to AM, but M is the midpoint of AB, so you can write AM. What is AM? AM is equal to, you can write half of AB. अगर M midpoint है AB का तो AM जो है वो AB का half होगा. तो आप ये भी लिख सकते हैं so CM is equal to AM is equal to half of AB. AM अगर हाफ ऑफ ए बी है तो डेफिनेटली सी एम बी जो है हाफ ऑफ ए बी होगा, बिकॉज सी एम और ए एम बोथ आर इक्वल. ये आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2 इज कंप्लीट. और इसी के साथ में मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटर यहाँ पर. नेक्स्ट चैप्टर आपका बच जाता है, नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर 8 तक हमने आज कंप्लीट कर दिया. ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट करें, इनकी प्रैक्टिस करें. जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको आप बिना देखे एक बार वापस से सॉल्व करें. डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड नाउ गुड डे.